हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे अपने लाइफ में एक बड़े ग्रोथ, एक बिग ग्रोथ को पाएं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं जापानीज कवि फिश की एक रोचक बात आप लोगों को शेयर करूंगी। वह यह है कि जापानीज कवि फिश के बेबी को जिस तरह के बर्तन में रखेंगे, बेबी फिश उसी बर्तन के साइज के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का ग्रोथ करती है। अगर इस बेबी फिश को टैब में रखते हैं तो उस टैब के साइज के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का ग्रोथ करती है। अगर इस बेबी फिश को वाटर टैंक में रखती है जिसका साइज जो है टैब से बड़ा है, तो कभी बेबी फिश जो होती है इसका बॉडी का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर इसी कभी बेबी फिश को अगर तालाब में रखते हैं तो इसकी बॉडी का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि तालाब की जो साइज होती है टैब और वाटर टैंक दोनों से ही बड़ा होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस कवी बेबी फिश जिसका डीएनए और जीन्स सब कुछ सेम होने के बावजूद भी जिस तरह के वाटर साइज में रखा जाता है उसी साइज के अकॉर्डिंग कवी बेबी फिश अपना साइज का ग्रोथ करती है, मतलब अपनी बॉडी के साइज का ग्रोथ करती है। ऐसा क्यों होता है? काफी रिसर्च हुआ और फाइनली कंक्लूजन यह निकला, ग्रोथ ऑफ द फिश डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिटेशन फॉर द ग्रोथ। मतलब फिश की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करती है कि फिश की ग्रोथ की सीमाएं मींस लिमिटेशन का एक्सेप्टेंस स्वीकार्यता कितना है, इस बात पर फिश का ग्रोथ निर्भर करता है। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने विचारों का दायरा बनाते हैं, मतलब लिमिट थिंकिंग बनाते हैं, तो हमारा ग्रोथ भी लिमिट होता है। अगर हम अपने थिंकिंग को लिमिटलेस बना दें, इनफाइनाइट बना दें, तो नो डाउट हमारा ग्रोथ भी बिग होगा। तो प्रश्न ये होता है कि यह अनलिमिटेड ग्रोथ, बिग ग्रोथ क्यों हो जाता है, क्या कैसे हो जाता है, केवल सोचने मात्र से? तो सिंपल सी बात है, हमारा बॉडी उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है जो हमारा माइंड कहता है। हमारा माइंड जो कहता है हमारी बॉडी उसी तरह की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती, उसी तरह का एक्शन लेती है। तो जब हम लिमिटलेस थिंकिंग करते हैं तो आपको पता है कि माइंड में बहुत सारे केमिकल होते हैं, और जैसे ही हम सोचते हैं लिमिटलेस थिंकिंग, हमारे माइंड में जो लिमिटलेस थिंकिंग के केमिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे रिएक्शन होता है, हमारे माइंड में भी उसी तरह का इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है, और यह इंस्ट्रक्शन माइंड के द्वारा हमारे बॉडी को दी जाती है। जैसे हमारा बॉडी इस इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हम जो सोचते हैं हमारे बॉडी द्वारा एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और हम एक बड़े ग्रोथ, एक बिग गोल को अचीव करते हैं। ग्रोथ को जैसी सोच वैसा ग्रोथ। फाइनली मैं यह सम अप करूंगी कि योर लिमिट इज योर थिंकिंग, योर लिमिट इज योर थिंकिंग, एक्सेप्ट नो लिमिट, जस्ट डू इट।